तो ये शॉर्ट ब्लास्टिंग का सेटअप है। तो इसमें क्या होता है कि पूरा जो पार्ट्स है वो ये फिक्सर पे माउंट होते हैं और ये सारे पार्ट्स इसमें जाते हैं अंदर। और ये अभी ऐसे स्टील शॉट्स है तो ये ऑलमोस्ट 0.4 टू 0.6 एमएम के शॉट्स इस पे ब्लास्ट होते हैं। और ये ब्लास्टिंग की वजह से क्या होता है कि पूरा एक थोड़ा सरफेस क्रिएट होता है। ओके एक जैसे हम लोग पेंटिंग करते हैं, आपको पता होगा कि एक सरफेस क्रिएट करना होता है, तो वो पूरा एक सरफेस क्रिएट होता है। तो ये पूरा एज इट इज अंदर जाएगा। हाँ तो ये पूरा अभी अंदर जाएगा और ये होगा रोटेट, अंदर रोटेट होगा। ओके ठीक है। और ये रोटेट होते टाइम क्या होगा कि ये ब्लास्ट, ये जो तीन आपको मोटर्स दिख रहे हैं, ये तीन मोटर से पूरा ब्लास्ट होगा इसको। ओके और जिसके वजह से वो पूरा सरफेस एकदम क्लीन क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा भी उस पर डस्ट पार्टिकल, डर्ट पार्टिकल, ग्रीस कुछ भी नहीं रहेगा। तो सो दैट सरफेस विल बी प्रिपेयर्ड फॉर पाउडर कोटिंग। ओके इसके बाद पाउडर कोट, इसके बाद पाउडर कोटिंग। तो अभी ये पूरा ऐसा सरफेस हो गया है कि जिसपे अभी पाउडर कोटिंग के लिए पूरा, जब अंदर गया था तो कलर अलग ही था, अभी ये पूरा सिल्वर दिख रहा है पूरा ये, और एकदम मतलब नीट एंड क्लीन फिनिश। आप इसको देखोगे मैजिक हो गया ऐसा लग रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है इंडस्ट्री का, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, ये मशीन का कॉस्ट, शॉर्ट्स का कॉस्ट, ये बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी हम लोग ये करते हैं बिकॉज तो इसके वजह से पाउडर कोटिंग की क्वालिटी मेंटेन और बेस्ट हो जाती है। करेक्ट।